नारी शक्ति है, नारी ऊर्जा है, नारी है तो ही ये संसार है, नारी है तो ही ये कल है। दोस्तों, हर किसी के जीवन में नारी एक अहम भूमिका निभाती है, फिर चाहे बेटी हो, बहन हो, माँ हो या फिर आपकी पत्नी हो। इसलिए कहा भी जाता है कि हर किसी कामयाब इंसान के पीछे एक महिला का हाथ जरूर होता है, और इसलिए भगवान ने भी महिलाओं को एक अहम जिम्मेदारी दी है, वो है जन्म देने का अधिकार। तो आइए शो की शुरुआत करते हैं और आप सभी का स्वागत करते हैं सुप्रभात धरती धौरारी में। मैं हूं आपके साथ अंकित सेन और मैं हूं आपके साथ नाहिद अख्तर। और इस कायनात की तमाम महिलाओं को आज विमेंस डे की लाख लाख बधाइयां, और इसी तरीके से वो इस दुनिया में अपनी खुशियों से रंग भरती रहे। और कहा भी जाता है ना कि इस कायनात का सबसे खूबसूरत जो रंग है वो है महिला का। महिला का वजूद ही होना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और शायद मैं किसी भी महिला को परिभाषित कम शब्दों में करना मेरे लिए मुश्किल होगा, क्योंकि उसे एक परिभाषा में या एक शब्दों में ढालना आसान नहीं है। लेकिन यूं कहा जा सकता है कि मेरे हाथों में तेरा कल है, मैं आज की औरत हूँ, मेरे घूंघट में भी समय पल है, सहारा नहीं मौका चाहती हूँ, ऐ जमीन तेरे कल पर अपना नाम लिखना चाहती हूँ। जी हाँ, यही कुछ एक खासियत होती है एक महिला के वजूद की। और आज इस खास मौके पर हमारे साथ एक ऐसी ही खास शख्सियत मौजूद है, तो चलिए स्वागत करते हैं मुग्धा सिन्हा जी का, जो IAS ऑफिसर है, शासन सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग में। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और वैसे अंकित, मैं ये कहना चाहूंगी तुम्हें कि मैम के बारे में बहुत कुछ आज हम जानेंगे, बहुत कुछ बताएंगे, लेकिन कहते हैं ना, जब इंसान अपना तारुफ चंद लाइनों में खुद से कराता है ना, तो उसकी बात ही कुछ और होती है। तो आज मैम से सबसे पहले उनके इंट्रोडक्शन के तौर पे वही चंद लाइनें हम भी जानना चाहेंगे। थैंक यू सो मच। मैं आप सभी को इससे पहले कि अपना परिचय दूं, आपको और आपके सभी दर्शकों को अपनी तरफ से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। बिकॉज हमारी सरकारें जो हैं वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में बहुत बिलीव करती हैं, तो आज का ये शुभ अवसर जो है मैं सभी महिलाओं को डेडिकेट करती हूँ। थैंक यू सो मच। विद योर परमिशन, थोड़ा सा सूफियाना है। क्या कहूँ मैं कौन हूँ, एक आग से जन्मी हूँ, एक आग में जाना है, मिट्टी की जमी पर चलती हूँ, मिट्टी के कणन सी हवा में उड़ती हूँ, मिट्टी में मिल जाना है, क्या कहूँ मैं कौन हूँ। ख्वाहिशों का पुलिंदा दिखती हूँ, खामोशी का चेहरा रखती हूँ, ना माला जपती हूँ ना रोज़ा रखती हूँ, इबादत लबों पर सजदे में रहती हूँ, क्या कहूँ मैं कौन हूँ। भट्टी में तप कर पली हूँ, फौलादी इरादे रखती हूँ, मोम का सा दिल है आँखों से बरसती हूँ, फिरती हूँ जगह जगह पर अपने में रहती हूँ, क्या कहूँ मैं कौन हूँ। सितारों की चमक सोने की खनक वजूद पर मेरे जचती नहीं, जो रंग तूने अपनी कूची से भरे हैं वो रंग इस दुनिया के नहीं, मंजर सारे देखे देखूं अब तुझको भी, क्या कहूँ मैं कौन हूँ। नित दिन चलती हूँ हर सांस में आगे बढ़ती हूँ, नदी की भांति अविरल बहती हूँ, समंदर सा ठहराव भी तेरी होकर अपनी भी कहाँ हूँ मैं, क्या कहूँ मैं कौन हूँ। माला टूटेगी तो मोती मिलेंगे एक धागे से जुड़ी थी माँ की कोख में भी, मोती बिखरेंगे तो धागा हाथ आएगा, फिर से मोह जाएगा तू अंदर समाएगा, क्या कहूँ मैं कौन हूँ। धरा में धार सी मीरा भी हूँ राधा भी, शिव की आराध्य भी नाम से पार्वती का पर्याय हूँ, शिव हूँ सत्य की खोज में भी, क्या कहूँ मैं कौन हूँ। नाम काम जामा जाम 100 शब्दों में एक ओंकार भी, ध्वनि हूँ प्रतिध्वनि भी, छवि हूँ परछाई भी, बिंदु हूँ निरंकार भी, अर्थ अपने आराध्य की, शून्य भी संपूर्ण भी, क्या कहूँ मैं कौन हूँ। जिज्ञासु भी जानकार भी, अज्ञान हूँ पर अनजान नहीं, शाश्वत हूँ क्योंकि नेस्तो नाबूद से उठी हूँ,
क्या रखा है कुछ होने में, क्या रखा है कुछ होने में, कुछ पाने में, पा पाकर खोया है, खो खो के पाया है, कल्पना तो बस उजड़ के बसने में, क्या कहूँ मैं कौन हूँ। कण से ढेला, ढेले से मिट्टी, मिट्टी से इमारत बने, इमारत से खंडहर, खंडहर खाक में मिले, कुम्हार का पहिया निरंतर चले, सब समय का फेरा है, कोई कच्चा घड़ा, कोई कच्चा घड़ा, कोई सुराही बने, सब समय का फेरा है, कोई कच्चा घड़ा, कोई सुराही बने, मैं क्या कहूँ मैं कौन हूँ, मैं क्या कहूँ मैं कौन। बहुत खूब, बहुत खूब। इनकी जो कविता है ना, इतनी गहराई है। आप एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी है मुग्धा जी। आज विमेंस डे है, जैसा आपको पता है, इंटरनेशनल विमेंस डे सब बना रहे हैं, सारी महिलाएं बना रही हैं। आज के दिन को आप किस तरीके से देखती हैं, क्या महत्व रखता है आज का दिन आपके लिए? वैसे तो मुझे ऐसा लगता है कि हर दिन ही खास है क्योंकि अगर हम देखें कि हमें लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहिए डिस्पाइट जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी हमारे लाइफ में या वर्क में चैलेंजेस हैं, बट आज मुझे ऐसा लगता है कि उन सभी 365 डेज में से ये स्पेशल है क्योंकि एक दिन वो जैसे मोबाइल में रिमाइंडर होता है जो हमें याद दिलाता है, तो वो इस तरह का रिमाइंडर है जो हमें पुनः याद दिलाता है कि हमें अपनी महिलाओं का, क्योंकि ये धरती भी माँ है, बिल्कुल, तो इस धरती माँ से शुरू करें। और अगर हम अपने देश को भी मदरलैंड मानते हैं तो आप देखोगे कि हर चीज़ जो है, चाहे वो नदियाँ हों, चाहे धरती हो, सभी एक जो है उसको स्त्रीलिंग की और माँ की संज्ञा दी गई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर कण में और हमारी संस्कृति में भी अर्ध नारेश्वर का स्वरूप बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम सबके अंदर वो यिंग एंड यांग क्वालिटीज हैं, फेमिनिन एंड मैस्कुलिन। तो मुझे लगता है कि आज उस कोमलता को, आज उस सृजनात्मक शक्ति को, आज उस क्रिएटर को एक पूजने का, एक थैंक यू कहने का एक हमारा दिन है, तो उसको हमें सेलिब्रेट करना चाहिए क्योंकि माँ जननी होती है और जन्म देने वाला, सृजन करने वाले को हमेशा याद रखना चाहिए। बिल्कुल। और कहते हैं ना कि भगवान की बनाई कृतियों में से सबसे खूबसूरत कृति जो है वो है एक महिला की, जिसे शायद आपने बखूबी, बहुत ही खूबसूरत ही ढंग से जो कविता में पिरोया है वो काबिले तारीफ है। और कहते हैं कि जब लिख रहे होते हैं या एक नारी जब अपनी कलम से कविता का जो रूप दे रही होती है, उसमें कहीं ना कहीं मन के वो सभी विचार आ जाते हैं जो शायद वो सोच रही होती है या उसके दिमाग के अंदर जितनी कुछ बातें होती हैं या बचपन से जो वो सब कुछ देख चुकी होती है, वही सब उसकी कविता में है। और यही मुझे कुछ ऐसा ही नजर आया। ना सिर्फ एक महिला को पिरो दिया बल्कि आपने इस कायनात की हर महिला को कहीं ना कहीं परिभाषित कर दिया है, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अगर बात करूं जीवन में, जिस तरीके से आज महिला दिवस है और महिला दिवस पे एक महिला के लिए सबसे खास जो होती है वो होती है उसकी माँ, क्योंकि वही वो खास शख्सियत होती है जिसके नक्शे कदम हर लड़की चलना चाहती है, उसे देखकर ही वो आगे बढ़ना चाहती है। और आपके जीवन में आपकी माँ की जो एक खास जगह है, बहुत ही खास, तो सबसे पहले हम उनके बारे में जानना चाहेंगे आपसे। मेरी मदर जो है मेरी पूरी दुनिया का, जिस तरह से गणेश जी का जब कंपटीशन हुआ था तो उन्होंने पूरे संसार का चक्र ना लगा के अपने माता पिता का चक्र लगा के कंपटीशन जीता था कि मेरे माता पिता ही मेरे यूनिवर्स हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि मेरे यूनिवर्स की दूरी और मेरे यूनिवर्स के कर्ता धर्ता से, क्रिएटर से और इस विश्व से मेरा परिचय कराने वाली मेरी माँ है। तो जैसे कि कहते भी हैं कि माँ पहली टीचर होती है, प्रेरक होती है, तो उसी तरह से मेरी माँ का मेरी जिंदगी में आज जो भी कुछ मैं हूँ वो सब मेरी माँ की बदौलत है। बिल्कुल। तो चूंकि आप कविताएं लिखती हैं तो बहुत अच्छी कविताएं लिखती हैं, तो अंकित मेरे मन में तो ये लालच आ गया है कि आज क्यों ना मैं बहुत अच्छी अच्छी कविताएं भी मैम से सुनूं। मैम कहते हैं हम हर चीज के लिए लिखते हैं, प्रकृति के लिए भी लिखते हैं, जो हमें अच्छा लगता है वो भी लिखते हैं, लेकिन जब कोई एक कविता ऐसी लिखते हैं जो हम माँ को समर्पित करते हैं ना, तो वो दिल के बहुत करीब। आपका ये पोएट्री का प्रोग्राम बन जाएगा। वो कविता कौन सी है मैम जो आपने अपनी माँ को समर्पित की है? एक्चुअली आज क्या है, विमेंस डे है, इंटरनेशनल विमेंस डे है, तो आज महिलाओं का ये दिन है, तो हम चाहेंगे कि आज का जो पूरा शो है महिलाओं को ही समर्पित। दैट्स वेरी नाइस ऑफ यू, थैंक यू सो मच। कुछ समय पहले मैंने एक कविता जो है महिलाओं पर
नारी बेटी पर लिखी थी, जो आज क्योंकि आप मौका दे रहे हैं तो इस मंच के माध्यम से मैं अपनी माँ को समर्पित करते हुए और सभी महिलाओं को जिन्होंने मेरी माँ की तरह से अपने जीवन में बहुत मेहनत और संघर्ष किया है और आज भी कर रही हैं, बट उन्होंने अपना हौसला और अच्छी शिक्षा देना नहीं छोड़ा है, उन सभी को ये मैं समर्पित करते हुए आपको सुनाती हूँ। थोड़ा सा ये भी रूहानी है क्योंकि मैं शायद वैसी ही सोच रखती हूँ, थोड़ा जयशंकर प्रसाद जी से प्रभावित हूँ, तो छायावादी है, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। बिल्कुल। मेरे मरने के बाद संपूर्ण श्रृंगार पूर्ण करना, मेरे मरने के बाद संपूर्ण श्रृंगार पूर्ण करना, 16 श्रृंगार से मेरी आखिरी इच्छा का मान रखना, त्वचा पर चंदन का लेप, नेत्रों का दान करना, मुंह में तुलसी और गंगा जल से बरदान देना, हो सके तो मेरा दिल संभाल के रखना, आंसुओं से मेरी आत्मा को बोझिल मत करना, आंसुओं से मेरी आत्मा को बोझिल मत करना, देह के परित्याग में मेरी डोली का साथ देना, खाकसार से फूल चुनकर आकाश में बिखेर देना, मेरे आगमन का न्योता खुशी से रवाना करना, मेरे आगमन का न्योता खुशी से रवाना करना, ये मैं अपने परम प्रिय परमात्मा के घर जाने की बात कर रही हूँ। जननी की गोद में बेटी सदा पराई, जननी की गोद में बेटी सदा पराई, अपने आंचल से मुझे आशीर्वाद देना, मुंह मत करना, कन्यादान से ना घबराना, खुशी से विदा करना, अपने पिया के घर खुशी से विदा करना, मैं पीछे मुड़कर देखूंगी मेरे जाने के बाद अफसोस ना करना, मैं पीछे मुड़कर देखूंगी मेरे जाने के बाद अफसोस ना करना, पीहर आने का रिवाज है, पीहर आने का रिवाज है, मेरा इंतज़ार करना, वादा करती हूँ हर जन्म में, वादा करती हूँ हर जन्म में तुम्हारी कोख से ममता का कर्ज चुकाऊंगी, धरती का बोझ कहलाने वाले आसमा का फक्र से उद्धार कर जाऊंगी, विश्वास रखना हर बार बारंबार बेटी बनकर आऊंगी, विश्वास रखना हर बार बारंबार बेटी बनकर आऊंगी। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब मुग्धा जी, हर बार बेटी बनकर आना, और एक सौभाग्य होता है एक माँ बाप का जब उनके घर में एक बेटी आती है। अच्छा मुग्धा जी, जीवन के सफर की बात करें और वो बचपन का जिक्र ना हो तो सफर थोड़ा सा अधूरा हो जाता है। आपसे जानना चाहेंगे कहाँ आपका जन्म हुआ और जो स्कूल कॉलेज की जो जर्नी होती है, मेमोरेबल डेज होते हैं, वो सफर कैसा रहा आपका? मेरे फादर जो थे वो इंडियन एयरफोर्स में पायलट थे, उन्होंने कर्नल जसजीत सिंह अरोड़ा जी को फ्लाई किया था बांग्लादेश की जब लड़ाई हुई थी और बांग्लादेश का जब डिक्लेरेशन साइन होना था, तो हालांकि हमने बहुत यंग एज में उनको खो दिया था, बट मेरी इनिशियल पढ़ाई जो है वो चंडीगढ़ में, मेरा पहला स्कूल लोरेटो कार्मल से मैंने पढ़ाई शुरू करी, फिर DPS दिल्ली पढ़ी, फिर जीसस ऑफ कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मेरी सेंट पैट्रिक्स में आगरा में पढ़ी, फिर मैंने अपनी कॉलेज जो है लेडी श्रीराम कॉलेज से हिस्ट्री ऑनर्स किया, कॉलेज टॉप भी किया, दिल्ली यूनिवर्सिटी में थर्ड भी पोजीशन रही मेरी, फिर मैं JNU चली गई और वहाँ पर मैंने अपना MPhil, और MPhil सेलेक्ट होने के बाद मुझे ध्यान आया कि मुझे पूरा कर लेना चाहिए, तो मैंने MPhil जो है IAS में सेलेक्ट होने के बाद कंप्लीट किया। अच्छा, आपने NCC भी ज्वाइन कर रखी थी। हाँ जी। तो और आपका बैकग्राउंड भी डिफेंस से था, जैसा कि आपने बताया कि आपके पिताजी एयरफोर्स में थे, तो कभी मन में नहीं आया कि मुझे डिफेंस ज्वाइन करना था, कि स्टार्टिंग से आपका था कि मुझे IAS ही बनना है? वो कुछ ऐसी कहानी रही कि मेरी नानी जी जो थी, मेरे मतलब नाना जी की डेथ भी बहुत जल्दी हो गई, जब मेरी मदर 10th में एग्जाम देने वाली थी बोर्ड के एग्जाम से जस्ट कुछ दिन पहले, तो मेरे नाना जी का बहुत सपना था कि मेरी मदर जो हैं वो IAS बने, बट उस समय कुछ परिस्थितियां ऐसी रहीं, बहुत लंबा परिवार था, तो भाइयों को था कि हम पढ़ाई तो पूरी करा दें बट फिर जल्दी सेटल करा दें, उसी तरह से फिर वो सपना मेरी मदर के अंदर कहीं था, बट और मेरी मदर का डिफेंस में मैरिज हुई थी इंडियन एयरफोर्स में, बट मेरे फादर की भी बहुत जल्दी डेथ होगी, तो कहीं ना कहीं वो शायद जो
सर्कमस्टेंसेस इस तरह से बने कि मेरी मदर को था कि जो सपना वो शायद उनके फादर ने देखा था और जो उन्होंने देखा था वो दो पीढ़ियों के जाने के बाद अब किसी को जी, वो मेंटल लेना है। तो उस तरह से मेरी जिंदगी में वो सपना बहुत जल्दी आ गया और मेरी मदर ने मुझे काफ़ी ग्रूम किया। और एक वाक्या सा है कि फिफ्थ स्टैंडर्ड में मेरी मदर बहुत पढ़ती रहती थी, हर साल वो कुछ ना कुछ पढ़ती रहती थी। तो जब फिफ्थ स्टैंडर्ड में एक अंग्रेजी में निबंध लिखने के लिए आया, जैसा कि अक्सर आता है क्लासों में कि आप जिंदगी में क्या बनना चाहती हैं, तो मैंने अपनी माँ से पूछा कि मुझे क्या लिखना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि तुमको लिखना चाहिए कि आई वॉन्ट टू बी एन आई एस ऑफिसर। उस समय मुझे शायद उसका फुल फॉर्म या डिटेल्स भी नहीं पता थी, बट धीरे धीरे क्योंकि उस शब्द का इंट्रोडक्शन, वो तीन लेटर्स का इंट्रोडक्शन बहुत छोटी क्लास में हो गया था, तो आई वॉज ग्रूम्ड इन टू थिंकिंग एंड बिकमिंग एंड नोइंग वॉट इट मीन्स टू बी इन द सर्विस ऑफ द नेशन। तो कहीं ना कहीं जो माइंडसेट था मुग्धा जी ने शुरू से ही कर लिया था, बचपन से ही कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन जो है। और कहा भी जाता है ना अंकित, जब आप अपने पेरेंट्स के ख्वाबों को पूरा कर रहे होते हैं ना, तो जो सेटिस्फेक्शन मिलता है उसकी बात ही कुछ और होती है, क्योंकि ना सिर्फ आप अपना ख्वाब पूरा कर रहे होते हैं, आप अपने पेरेंट्स का ख्वाब भी पूरा कर रहे हैं। ऐसा ही आपने कुछ किया। लेकिन आईएएस अगर मैं जिक्र करूं तो आज भी कई यंगस्टर के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। आप खुद आईएएस ऑफिसर हैं और आपने काफी यंग एज में इस पोस्ट को बखूबी संभाला, तो आप जो बच्चे आईएएस बनना चाहते हैं या आगे जाके उनका भी ऐसा ही कुछ ख्वाब है, उनको क्या कहेंगे, किस तरीके से वो अपनी इस मुश्किल को बहुत आसान कर सकते हैं? देखिए, कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती, बिकॉज इम्पॉसिबल में भी लिखा होता है आई एम पॉसिबल। और ज़िंदगी से मुश्किल तो कोई एग्ज़ाम नहीं हो सकता, और ज़िंदगी का एग्ज़ाम तो हम लोग सब बहुत बचपन से हर रोज़ देते आए हैं। तो अगर हम ज़िंदगी को बखूबी फेस कर सकते हैं, उसके एग्जाम को फेस करते हैं, तो उसके सामने मुझे नहीं लगता कि आईएएस का एग्जाम इतना मुश्किल है, प्रोवाइडेड कि आपके अंदर एक बहुत जेन्युइन सी ललक हो सफल होने की। एक आप उसमें, जैसे कहते हैं ना कि कोई भी चीज में आपको इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, तो सफलता के लिए आईएएस एग्जाम में बहुत जरूरी है कि आपकी सिंसेरिटी, आपका डिवोशन और आपका हार्डवर्क अलॉन्ग विद स्ट्रेटेजी, बिकॉज ये एग्जाम है, होना बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि आपकी इंटेंशन अगर सही होगी तो आपको आपका सफर की मंजिल जरूर। बिल्कुल बिल्कुल मुग्धा जी, कहीं ना कहीं आपकी जो जीवन यात्रा है बहुत ही अद्भुत और रोचक रही है। जैसे कि आपने मेहनत करी आईएएस के लिए, आप सफल भी हुई बहुत अच्छे अंकों से। वन ऑफ द टफेस्ट पेपर होता है यूपीएससी का। सबसे पहली ये खुशखबरी आपने अपने घर में से किसको बताई, क्योंकि बहुत ही स्पेशल होता है ये तमाम चीजें, जिस चीज के लिए आप इतना मेहनत करते हैं, रातों रात जग के पढ़ते हैं, जब वो आपको पता चलता है कि फाइनली मैंने यूपीएससी क्रैक कर दिया है, तो सबसे पहली जो खुशखबरी होती है वो किसको दिया अपने घर में? नहीं, एक्चुअली मैं उस समय दिल्ली में अपनी सिस्टर के साथ, जो मेरे से छोटी हैं, उनकी हालांकि नौकरी मुझसे पहले लगी थी तो उनके साथ में रह रही थी, तो मेरी मदर भी वहाँ आई हुई थी। तो हम लोग ने साथ जाके यूपीएससी में, जैसे ही पता चला कि हाँ आज यूपीएससी का रिजल्ट आ रहा है, तो हम लोग साथ गए थे उसको देखने के लिए। तो वहाँ पर वो एकदम से, जैसे आप लोग होते हैं सब वहाँ पर, तो फिर वो पता चल गया था, क्योंकि मैं 8th थी तो ज्यादा लंबा देखना नहीं पड़ा लिस्ट में इसलिए परिवार के साथ ये खुशी, क्योंकि सब सभी लोग परिवार के साथ ही थे। और वो खुशी मैं ये कहूंगी आज भी आपकी आंखों में जो है वो चमक नजर आ रही है उस दिन की खुशी की। और सबसे अच्छी बात नाहिद यही होती है, जो भी हमारे गेस्ट आते हैं सुप्रभात में, उन ताजी यादों में वापस चल जाते हैं, वो जो याद होती है बचपन की यादें, यही खासियत है सुप्रभात धरती धरारी की। इस मंच में जो भी हमारे गेस्ट आते हैं वो इन तमाम यादों से वापस चले जाते हैं, वापस से ब्लैक लाइट में आ जाते हैं कि कहीं ना कहीं बचपन की आज की जो भाग दौड़ भरी जीवन है उसमें वो याद करने का मौका नहीं मिलता। वैसे अंकित, जहां तुमने जिक्र किया है कि जब सिलेक्शन के वक्त जितनी खुशी हुई थी, उतना ही सबसे अहम होता है जब आप पहली ज्वाइनिंग करते हैं, जब आप अपने ख्वाब को पूरा कर रहे होते हैं और जब आपको पहली पोस्टिंग मिलती है, वो बहुत अहम होती है। वो आपसे जानना चाहेंगी वो आपको कहाँ मिली और कितनी खास रही आपके लिए। ये बात एकदम सही है आपकी कि पहली पोस्टिंग जो है वो पहले प्यार की तरह से होती है, एटलीस्ट इस सर्विस में। और मैं बहुत खुशनसीब हूँ शायद कि मुझे अपनी पहली इंडिपेंडेंट पोस्टिंग एज एसडीओ अजमेर मिली। और उस समय बड़े बड़े सब डिविजन्स हुआ करते थे, तो अजमेर तो था ही, पुष्कर, नसीराबाद, पिसांगन, ये सब मेरी तहसीलों का पार्ट था। और अजमेर में उर्स भी होता है, पुष्कर भी होता है, तो एक
कम्युनल हार्मोनी का बड़ा समागम है, कॉस्मोपॉलिटन शहर है बहुत अजमेर, तो बहुत ही एक मुझे लगता है कि शायद ब्रह्मा जी और दरगाह की दोनों की शायद ज्वाइंट ग्रेस मेरे पे रहा होगा एंड वो बहुत अच्छा मेरा कार्यकाल था बिकॉज बहुत कुछ आप हाथ से करते हो जो आपको, मैं हमेशा बिलीव करती हूँ कि ऑफिसर्स आर ट्रेन्ड, मेरा एप्टीट्यूड हो सकता है, मेरा एटीट्यूड हो सकता है, मैं इंटेलिजेंट हो सकती हूँ, पर एक ट्रेनिंग से, एक थ्योरेटिकल क्लासरूम ट्रेनिंग से जो हमें LBSNA लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी मसूरी में देते हैं, बट वो एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस जो होता है वो एक बहुत सुखद अनुभूति होती है बिकॉज वो आपका IAS एग्जाम पास करने के बाद पहला टेस्ट होता है कि जो कुछ आप अपने बारे में समझते हैं, जो कुछ आपने ग्रहण किया है, क्या उसको अपने हाथ से वो कलम की ताकत का इस्तेमाल करते हुए क्या आप उसको जनता की सेवा में सही उसका इस्तेमाल कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत जरूरी होते हैं, कलम की ताकत होनी भी चाहिए और आपने बहुत बेहतरीन काम करके दिखाए, हम सभी लोग जानते हैं। बात करें आपकी ट्रेनिंग पीरियड की, क्योंकि सिलेक्शन होने के बाद एक ट्रेनिंग पीरियड से गुजरना पड़ता है हर IAS IPS UPSC के जो भी बच्चे क्रैकडाउन करते हैं, वो दौर एक स्पेशल दौर होता है, नई नई चीजें भी होता है, थोड़ा हेजिटेशन भी होता है कि नया नया मामला है, कुछ गलती हो नहीं जाए, तो ट्रेनिंग पीरियड का दौर कैसा रहा आपका? ट्रेनिंग बहुत ही अच्छी है, मैं आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट जो ये सिस्टम पूरा बनाया है उसमें केवल इनिशियल ओरिएंटेशन ट्रेनिंग तो मस्ट है बिकॉज मैं कॉलेज से सीधे इस प्रोफेशन में आई थी और ये प्रोफेशन में हम कितने सारे लोगों के लिए कितना कुछ करते हैं, तो हमें सशक्त होना उनके लिए बहुत ज़रूरी है, तो वो ट्रेनिंग का पीरियड बहुत ही सुखद था बिकॉज हमारे जो डायरेक्टर्स थे, जो प्रोफेसर्स थे, जो लोग बाहर से हमें गेस्ट लेक्चरर्स आते थे, जो हमारे सीनियर्स थे, उन्होंने जो किया था फील्ड में उनका अनुभव सुनने के बाद हमें बहुत ज़्यादा लाभ हुआ, उनके एक्सपीरियंसेस से सीखने का मौका मिला। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आज की तारीख में जो हमारा कैलेंडर ऑफ ट्रेनिंग है वो बहुत ही वाइड है, वो हर स्टेज ऑफ जैसे जैसे हम सर्विस में ग्रो करते हैं तो ओरिएंटेशन के ट्रेनिंग तो होती है, फाउंडेशन कोर्स होता है जिसमें सभी लोग साथ ट्रेनिंग प्राप्त करते हैं, उसके बाद फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, फेज 5, हम मिड लेवल पे पहुंचते हैं तो हमें किस तरह से पॉलिसी के डायरेक्शन में ओरिएंट किया जाता है वो भी एक बहुत अच्छी चीज़ है, फिर हमें बाहर ले जाके ट्रेन किया जाता है, एक एक्सपोजर दिया जाता है कि आपने इंडिया में तो अगर आप सोचते हो आपने सब कुछ कर लिया तो बाहर देखो, उनसे भी सीखो और आके उसको फिर अपनी जनता के लिए यहाँ पर अप्लाई करो, तो वो भी एक बहुत अच्छा कैलेंडर बना हुआ है। और अगर मैं आपको ये कहूँ कि एक छोटे छोटे हर साल इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी होते हैं जो एक लाइफ की बैलेंसिंग, मतलब जैसे जैसे आप प्रोफेशन में ग्रो करते हो और आपकी खुद की व्यक्तिगत जिम्मेदारियाँ निजी जीवन में भी ग्रो करती हैं, तो दोनों में कैसे सामंजस्य बनाना है उसकी भी ट्रेनिंग हमें सरकार कराती है, विच इज हाउ वंडरफुल इट कैन बी। बिल्कुल बिल्कुल, अगर मैं एक बात कहूँ डिसीजन मेकिंग के ऊपर, मैं बात करता हूँ डिसीजन मेकिंग वन ऑफ द टफेस्ट कॉल होता है हर IAS ऑफिसर के, क्या चीज मदद मिलती है इस चीज के अंदर, आपकी ट्रेनिंग से आपको मदद मिलती है कि आपके वर्क एक्सपीरियंस से आपको मदद मिलती है, क्योंकि डिसीजन मेकर एज अ लीडर आपको करना ही पड़ता है, तो इससे आपको क्या चीज से मदद मिली आपकी ट्रेनिंग से, जो वर्क एक्सपीरियंस है उससे? मुझे ऐसा लगता है मेरा इंस्पिरेशन जो है वो द पीपल ऑफ द नेशन है ना, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहा है वी द पीपल, तो मुझे वी द पीपल क्योंकि मैं भी उस पीपल का ही हिस्सा हूँ, बिल्कुल, और मैं एक जगह हो सकती हूँ ऑफिसर हूँ पर बाकी सब जगह, क्योंकि मैं कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट की भी सचिव हूँ, तो मैं देखती हूँ कि मैं शायद प्रशासन में तो सचिव हूँ और लोग मेरे पास आते हैं, बट किसी शॉप में राशन खरीदने जाती हूँ तो वहां मैं कंज्यूमर हूँ, तो अगर हम कोई प्रॉब्लम नहीं है डिसीजन मेकिंग में, अगर हमारा क्लैरिटी ऑफ थॉट हो और हम ये जानते हों कि हम जिस कॉन्स्टिट्यूशन के अधीन हमें नौकरी करने का ये अवसर मिला है, उस कॉन्स्टिट्यूशन में वी द पीपल उस कॉन्स्टिट्यूशन का सोल है, हार्ट है, तो हमें डिसीजन मेकिंग करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि अगर आप गांधी जी का टैलिस्मैन पढ़ें तो उसमें बड़ा क्लियर लिखा हुआ है, मैं थोड़ा आइडियलिस्टिक जरूर हूँ बट मैं बिलीव करती हूँ, उसमें बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि जो पंक्ति में आखिरी व्यक्ति है उसका जो प्रोट्रूडिंग पेट है, जब भी डिसीजन करो तो उसको ध्यान में रख के करो, क्योंकि बहुत गरीबी है देश में, है ना, संसार में, है ना,
लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधारने का एक मौका है हमारे पास, तो हमें जो है वो चीज हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। उनको ध्यान में रखोगे तो आपकी कलम जो है कभी भी सही डिसीजन लेते हुए डगमगाएगी। बहुत खूब, ये कहेंगे कि अंकित सही फैसला लेने के लिए सही सोच होना बहुत जरूरी है, और वही सही सोच आप में है। आपने कई अहम ओहदों पे खास जिम्मेदारी निभाई, खासतौर से आप चार चार शहरों की कलेक्टर भी रहीं, और कुछ ऐसा खास काम कर दिया कि आपका नाम जो है वो रोशन हो गया और आप एक मिसाल के तौर पे जानी जाती हैं। खासतौर से आपने झुंझुनू में कलेक्टर रहते हुए कई नए आयाम किए, कई नई चीजें की, उनके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या कुछ खास फैसले थे वो? झुंझुनू के बारे में तो काफी लिखा पढ़ा गया है, तो वो तो सब के सामने है, बट मैं झुंझुनू से पहले भी और झुंझुनू के बाद भी जैसे काम कर रही थी वो मैं वैसी ही थी, और चेंज शायद मेरा आइडियलिज्म जो है रियलिज्म में कम नहीं हुआ है, बल्कि मैच्योर हुआ है और कन्विक्शन उतना ही स्ट्रांग हुआ है, और शायद मुझे इसके लिए झुंझुनू की जनता को बहुत धन्यवाद देना पड़ेगा, बिकॉज इतने साल की नौकरी में आदमी काम करता है एक जगह से दूसरी जगह स्वतः ही ट्रांसफर में आराम से चला जाता है। बिकॉज मेरी माँ एक बात हमेशा कहती आई है कि रावण की सोने की लंका होती है और राम का 14 साल का वनवास होता है, तो सक्सेस और लेगेसी दो एक अलग चीजें हैं। तो सक्सेस तो 15 मिनट्स ऑफ फेम तो हर की जिंदगी में लिखा है और जरूर सबको मिलेगा अपने अपने क्षेत्र में, बट वो लेगेसी है जिसके लिए एस्पायर करना चाहिए, बिकॉज वो जो है राम को मिली थी। बिल्कुल, करने चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें काम करते रहना चाहिए, क्योंकि गीता में भी है कि फल की इच्छा करने की जरूरत नहीं है, और वो मैंने एक्चुअली किया और उसका नतीजा अपने आप झुंझुनू में है। तो मुझे शायद लगता है कि मेरी माँ की जो बड़े बड़े लोगों ने चीजें लिखी हैं विचारकों ने, शायद वो बात सिद्ध हो गई। तो अगर मैं अब भी आइडियलिस्टिक होके ना सोचूं इतना प्रूफ और वैलिडेशन के बाद, तो मुझे लगता है वो सही चीज नहीं। मुग्धा जी, आपकी जो जीवन यात्रा है बहुत ही रोचक, अद्भुत और प्रेरणादायक है, मैं तो कहूंगा। बातचीत का सिलसिला हम यूं ही करते रहेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको और हमारे दर्शकों को लेकर चलते हैं जय संबंध, पधारो मारे दोस्त। दोस्तों कहीं जाएगा नहीं, विल बी राइट बैक इन अ शॉर्ट टाइम। तो आपने सैर तो कर ली पधारो मारे देश में जैसमंद की, और अब वापस हम लिए चलते हैं आपको सुप्रभात धरती धुरारी के मंच पर। आज जो खास शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, मुग्धा सिन्हा जी आईएएस ऑफिसर हैं और शासन सचिव हैं खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग। मैम एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से हमने आपके कार्यकाल की उपलब्धियों के बारे में जाना कि कितनी खास काम किए हैं आपने, लेकिन कहते हैं ना कि कुछ ऐसा करते हैं जो हमारे लिए हमेशा यादगार रह जाता है, वो कौन सा एक ऐसा फैसला था, या ये कहें कि जनता के हक के लिए किया गया वो कौन सा एक ऐसा काम था जो आज भी आपके जहन में ताज़ा है? बहुत ही सारे फैसले हैं, बट क्योंकि हर दिन फैसले करने पड़ते हैं, बट मैं एक अच्छी सी चीज़ बताती हूँ जो हमारे आम जीवन में जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो शायद वैसा नहीं हो, बट इंटरेस्टिंग है। जब मैं बूंदी में थी, वो काफ़ी एक टूरिज्म से रिलेटेड डिस्ट्रिक्ट है और मेरा पहला डिस्ट्रिक्ट था, तो पहला डिस्ट्रिक्ट भी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट होता है। तो उसमें राज्य सरकार के बहुत सारे और केंद्र सरकार के जो भी कार्यक्रम थे उनके अलावा, जब मैंने बूंदी में बहुत भ्रमण किया तो मुझे ऐसे लगा कि राजस्थान की एक बहुत स्पेशल चीज़ है कि यहाँ पर पानी कॉन्जर्वेशन, वाटर कॉन्जर्वेशन को लेकर बहुत इम्पॉर्टेंट है, और उसको टूरिज्म से जोड़ के मैंने ऐसे देखा कि बूंदी में सभी तहसीलों में सभी गांव में पुराने ज़माने की बावड़ियाँ हुआ करती थी, स्टेप वेल्स। तो मैं क्योंकि राजस्थान से बाहर से आई थी तो मेरे लिए तो बड़ा वो रोचक था कि हर दिन कोई चकोर है, कोई गोल है, कोई गहरी है, कोई बड़ी है। तो मैंने जो है फिर एक बार डिसाइड किया कि मैं बूंदी की जितनी बावड़ियां हैं उनको ग्राम सेवकों के माध्यम से उनकी सबकी फोटो खिंचवा के और उनका एक एक का डिस्क्रिप्शन लिख के कि डाया कितना है, डेप्थ कितनी है, पानी का लेवल कितना है, जर्जर हालत में है या उसको कंजर्वेशन की ज़रूरत है, इस तरह करके मैंने बूंदी की लगभग उस समय 300 बावड़ियाँ जो थी, ईच एंड एवरी बावड़ी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बूंदी, हमने उसको कवर करके और एक कॉफ़ी टेबल बुकलेट जो है बनाई, जो बूंदी के परिवेश में टूरिज्म डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से राजस्थान डेजर्ट
उस समय हुआ करता था, अकाल पड़ा करते थे, उसके परिपेक्ष में वो काम जो हमने किया उसको इंटैक ने बहुत सराहा था और उस वजह से राज्य सरकार ने उस समय हमें वो इतना अच्छे प्रभावित हुए कि अरे ये काम तो आपके उसमें मतलब दिस वाज समथिंग आउट ऑफ द यू नो मैंडेटेड वर्क्स, तो उन्होंने हमें 2 करोड़ रुपया दिया कि बूंदी की 6 शहर की जो बड़ी बावड़ियाँ थी उनके कॉन्जर्वेशन के लिए। तो कोई आप अच्छा काम करते हो तो उसका कहीं ना कहीं 360 डिग्री में फुल सर्कल आपको हो जाता है। तो उस वजह से जो है ये कॉन्जर्वेशन जो आज बहुत बड़े पैमाने पे ऑलरेडी सरकारें कर रही हैं, तो वो छोटी सी शुरुआत हमने जो है उस समय करी थी जी। तो वो मुझे बहुत मेरे हार्ट के बहुत क्लोज है। तो कहीं ना कहीं बहुत अहम फैसले आपने मुग्धा जी लिए। वर्तमान की अगर मैं बात करूं, क्योंकि आप लोगों का काम आसान नहीं होता, कौन कौन सी जिम्मेदारियां आपके पास है और किस तरीके से देखते हैं? अभी मैं जो हूँ 2 डिपार्टमेंट्स देख रही हूँ। एक मैं सेक्रेटरी हूँ फूड एंड सिविल सप्लाईज की, जो पूरा हमारा PDS जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है और जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है 2013 उससे गवर्न्ड है। और दूसरा मैं देख रही हूँ कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट, जो मुझे और आपको और हर डिपार्टमेंट में दखल रखता है, बिकॉज हमने जैसा पहले भी कहा कि हम लोग सब कहीं ना कहीं कंज्यूमर्स हैं। तो ये 2 विभाग हैं और इसमें मैं आपको बताना चाहूँगी कि NFSA के तहत जो है 2 चीज़ें बहुत अच्छी हुई हैं। एक तो कि राजस्थान के लगभग 1 करोड़ परिवारों को और लगभग साढ़े चार करोड़ इंडिविजुअल लाभार्थियों को, बेनिफिशरीज को, हम हर माह प्रतिदिन जो हैं वो गेहूँ देते हैं। अंत्योदय परिवार जो सबसे गरीबी वाले परिवार हैं, गरीबी की रेखा के भी नीचे वाले परिवार हैं, उनको हम चीनी भी देते हैं। जिनके पास किसी वजह से उज्ज्वला में अभी गैस कनेक्शन नहीं मुहैया हुआ है, उनको हम लोग केरोसिन भी देते हैं। तो इस तरह का हमारे डिपार्टमेंट का रीच है। मतलब राजस्थान की शायद जनता अभी आबादी जो होगी मे बी टचिंग 7 करोड़ एंड वी आर केटरिंग टू 4.50 करोड़ पीपल ऑन अ डेली बेसिस। तो ये डिपार्टमेंट का रीच है। और अभी हाल ही में आपको पता होगा कि राज्य सरकार ने 1 मार्च से NFSA में और भी गेहूं को सब्सिडाइज कर दिया है और अंत्योदय परिवार, BPL परिवार और स्टेट BPL परिवार को अब गेहूं जो है NFSA के तहत 1 रुपए किलो में मिलेगा। सो इट्स अ वेरी वेलफेयर ओरिएंटेड मेजर एंड इस डिपार्टमेंट में काम करके बहुत सुखद अनुभूति होती है, बिकॉज सब जो गरीब लोग हैं वो इस डिपार्टमेंट से और जुड़े कहते भी है ना कि अन्न जो होता है वो उपलब्ध कराना खुद ही पुण्य का काम होता है और वो एक नेक काम आप कर रहे हैं। एक महिला होने के नाते खास जिम्मेदारी हो जाती है और चंद महिलाएं मैं कहूंगी कि महिला सशक्तिकरण का कि हम जब जिक्र करते हैं तो जब एक महिला दूसरी महिला को प्रोत्साहित करती है, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है या एक मार्ग दिखाती है तो असली महिला सशक्तिकरण वही कहलाता है। एब्सोल्युटली राइट। आपने ऐसे ही बहुत कुछ खास किया है, ना सिर्फ आपने अपने जॉब के दौरान किया बल्कि उससे अलग हटकर भी महिलाओं को के विकास के लिए खासतौर से उनको छोटे छोटे रोजगार उपलब्ध कराकर ये कुछ खास और नेक काम आपने किए, उनके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि वो किस तरीके के काम थे। आप एकदम सही कह रहे हैं कि महिलाओं को जो है अगर महिलाएं मदद नहीं करेंगी तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि समाज उनकी मदद करेगा। तो समाज में महिलाओं को सशक्त करके हम एक बहुत अपना ही एक सेल्फिश एम जो है कि समाज जो है सुरक्षित हो और सबल हो, तो वो महिला के भरोसे ही हो सकता है। तो ये सही है। तो मैं राज्य सरकार के जो समस्त कार्यक्रम है उनसे जुड़ी रही। हमने बूंदी में एक छोटी सी चीज करी थी कि जो बच्चे स्कूल में पढ़ने आते थे शिक्षा आपके द्वार में, तो अक्सर जो है उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन इस बेसिस पे हो जाया करता था कि उनमें साफ सफाई नहीं है, है ना, क्योंकि बच्चे गरीब परिवारों से आते थे जहाँ कई बार पानी भी नहीं होता था, स्लम एरिया से आते थे। तो हमने ये डिसाइड किया कि हम शिक्षा आपके द्वार में NGOs के माध्यम से जो है हर बच्चे और बच्ची को जो है एक स्वास्थ्य किट देंगे जिसमें टूथब्रश, पेस्ट, कंघी, तेल, साबुन होगा, क्योंकि जो बच्चे गरीब परिवार से आते हैं वो ये सब शायद अफोर्ड नहीं कर सकते और उस वजह से कहीं ना कहीं वो बेचारे कोने में क्लास में बैठे रहते हैं।
और हमने फिर हर स्कूल में बड़े बड़े शीशे लगाए ताकि बच्चों में कॉन्फिडेंस, यंग एज से कॉन्फिडेंस पैदा हो। फिर हमने आंगनवाड़ियों की मदद से जो है स्कूलों में छोटे छोटे बच्चों को नहलाने तक का कार्यक्रम रखा और एक अभियान की तरह से हमने जो है जब वो शुरू जुलाई में जब एडमिशन स्टार्ट होता है और कोशिश की जाती है कि ड्रॉप आउट्स को भी शिक्षा से जोड़ा जाए, तो मिड डे मील तो राज्य सरकार की एक बहुत अच्छी स्कीम है जिससे बच्चा अट्रैक्ट होके रुकता है और पढ़ता है। बट ये जो नहलाने धुलाने का कार्यक्रम हम लोगों ने स्टार्ट किया, बाल कंघी करना, तेल लगाना, ब्रश कराना, तो उससे एक बहुत अच्छा माहौल जो है, कहीं बहुत ऐतिहासिक कदम आपने उठाया जी। हाँ जी, वर्तमान की अगर मैं बात करूं, आज की महिला अपना हक जानती है, पुरुषों के साथ अच्छा काम कर रही है, उनके साथ नहीं उनसे ज्यादा अच्छा काम करती है, मैं तो ये मानता हूँ। पुरुषों के साथ अच्छे काम के साथ साथ वो अपने घर को भी संभालती है, बहुत सी जिम्मेदारी एक महिला के ऊपर होती है। क्या लगता है आज की महिलाएं में कितना फर्क आप देखती हैं, क्योंकि पुरुषों से तो बेहतर है ये, जैसा कि आप महिला दिवस में बोलूंगा, पर आपको क्या लगता है कितना माइंडसेट चेंज हुआ है, आपकी ओपिनियन क्या? मुझे ऐसा लगता है कि आपको महिला दिवस में बहुत खुश होना चाहिए वो आपका भी उतना ही दिन है। और देखो, मैं एक चीज ऐसे मानती हूँ कि हमें तो डिस्क्रिमिनेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी जेंडर के बेसिस पे लिखा है कि नहीं होना चाहिए अमंग अदर थिंग्स, है ना। तो कोई क्योंकि देखो हम जो भी काम करते हैं वो ये दिल और दिमाग से करते हैं और उसका कोई जेंडर नहीं होता है ना। और दूसरी चीज, जिंदगी का मौका हमें एक बार मिलता है, हम एक बार पैदा होते हैं, एक बार मरते हैं और मरने के बाद दोबारा आते हैं तो पता नहीं रहता कि हम अभी थे। पर नौकरी का मौका, प्रोफेशन का मौका कई बार मिलता है, है ना। तो इसलिए हमें प्रोफेशन में रहते हुए प्रोफेशन में पैशन के साथ रहना चाहिए, बट एक सर्टन डिस्पैशन भी होना चाहिए ताकि हम अपनी निजी जिंदगी में और अपने प्रोफेशनल लाइफ में एक अच्छा बैलेंस बना सकें। क्योंकि हम अगर फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, स्पिरिचुअली अपने साथ इन अलाइनमेंट नहीं होंगे, और आई थिंक हेल्थ वाइज आल्सो आई वुड से, तो मुझे लगता है कि हम दोनों ही जो हमारे पर्सनल लाइफ है और प्रोफेशनल लाइफ है उसमें हम जस्टिस नहीं कर पाएंगे। और देखो, हमारा जीवन जो था, मैं नौकरी में आई हूँ लगभग अर्ली ट्वेंटीज में, तो उससे पहले भी मेरा जीवन था और मैं रिटायर हो जाऊंगी 60 साल में, उसके बाद भी जीवन रहेगा। तो जीवन नौकरी से बहुत विस्तृत है। डोंट लेट योर जॉब डिफाइन यू, विद हु यू आर डिफाइन द काउंटर्स ऑफ योर जॉब, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। क्योंकि वो है कि आप कुर्सी पे बैठते तो जरूर हो, बट कुर्सी आपके अंदर नहीं बैठनी चाहिए। बहुत अच्छी बात बताई आपने, कुर्सी में बैठते नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। ये कहूंगी कि जो एक महिलाओं के लिए खास बात कही है वो जरूरी है कि खुद को पहचानिए और खुद से जो है वो थोड़ा सा प्यार कीजिए और बैलेंस बना के चलिए। लिव योर ऑथेंटिक सेल्फ, क्योंकि वन डे द वर्ल्ड विल एडजस्ट यू। आप जो है वो रहिए, जो सीखना चाहते हैं सीखिए, खुले रहिए, है ना। बिल्कुल बिल्कुल मुग्धा जी, आपकी सोच बहुत ही अच्छी और क्रिएटिव, मैं तो ये कहूंगा कि बहुत क्रिएटिव सोच है, लीक से हटके सोचती हैं आप। आपको क्या लगता है महिलाओं का पूर्ण सशक्तिकरण किस तरीके से हो सकता है, पूर्ण विकास किस तरीके से हो सकता है? क्योंकि एक हमारी प्रधानमंत्री जी ने पॉलिसी चलाई है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक बहुत अच्छी पॉलिसी है, बेटियों को काफी बढ़ चढ़ के आगे मिल रहा है, प्रोत्साहन मिल रहा है इसके अंदर, आप क्या कहेंगे? देखो, मैं एक और चीज कहूंगी, ये बहुत अच्छी बात आपने पूछी है कि महिलाओं को सशक्त होने के लिए एडुकेट करना तो बहुत इम्पोर्टेंट है, शिक्षा देना बहुत इम्पोर्टेंट है, परंतु मैं सोचती हूँ कि उनको अवेयर करना उतना ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर आप कहीं देखो तो थोड़ा सा एक पैराडॉक्स है कि बहुत सारे लोग जो है पुराने जमाने में, महिलाएं खास तौर की, पढ़ने का उनको शायद मौका नहीं मिला, उस समय इतने डेवलप्ड नहीं हुआ करते थे देश विदेश में हम लोग सब, बट वो महिलाएं जो थीं अपने बच्चों को बहुत अच्छा पालती थीं, हर काम घर का, खेती बाड़ी का सब अच्छा करती थी, तो एजुकेटेड नहीं थीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि किताबी शिक्षा के अलावा भी महिलाओं को एम्पावर करने के लिए देश दुनिया में क्या हो रहा है उसके लिए अवेयर रहने की जरूरत है, और एक कहीं ना कहीं वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें और उनमें कॉन्फिडेंस आ सके, उसके लिए उनका आर्थिक तौर पर संबल होना बहुत जरूरी है। और क्योंकि आर्थिक तौर पर संबल होना जरूरी है, तो इसलिए हम सोचते हैं कि उनको कहीं ना कहीं अगर हम पढ़ाई लिखाई करवा दें
तो उससे क्या है कि वो रोजगार मुहैया होने में उनको सहूलियत हो जाएगी, इसलिए हम एजुकेशन पे बहुत स्ट्रेस देते हैं। बट मैं एजुकेशन के अलावा वोकेशनल ट्रेनिंग, क्योंकि जो महिलाएं किसी वजह से नहीं पढ़ पाई, क्या हम उनको सशक्त नहीं कर सकते? उनको भी सशक्त, क्योंकि हो सकता है वो बहुत अवेयर हो, हमसे भी बहुत चीजों में नॉलेजेबल हो, तो उनको भी हम सशक्त कर सकते हैं। दुनिया में महिलाओं को रहने दो, क्योंकि महिलाएं अपने आप में बहुत हिम्मती जीव हैं। उनकी लाइफ के साथ हम इंटरफेयर करके डिफिकल्ट उनकी जिंदगियों को ना बनाएं, तो मुझे शायद लगता है कि महिला का एम्पावरमेंट बना रहेगा। मैं थोड़ा डिफरेंट सोचती हूँ, मैं ये नहीं सोचती कि महिला एम्पावर्ड नहीं है, महिला बहुत एम्पावर्ड है। जब हम उसकी लाइफ में इंटरवीन करते हैं तो उसका एम्पावरमेंट हम छीन लेते हैं और वो बहुत जरूरी है कि उनके पंखों को जो है खुला आसमान दीजिए, वो खुद उड़ लेंगी, क्योंकि वो इतनी कैपेबल हैं। सेफ और सुरक्षित और खुशगवार बनाइए, क्योंकि वो आपकी माँ भी है, वो आपकी बेटी भी है, आपकी बहन भी है। सड़क पे चलने वाला हर महिला जो है कहीं ना कहीं किसी से कनेक्टेड है। आज वो शायद जो है एक आम महिला होगी, बट हो सकता है कल वो आपकी पत्नी हो जाए, कल वो आपकी बेटी हो जाए, बहन हो जाए, दोस्त हो जाए। बिल्कुल, और बिल्कुल। और जैसे मैंने शो के स्टार्टिंग में भी कहा था कि हर किसी के जीवन में महिलाओं का एक अहम रोल होता है। अपार्ट फ्रॉम योर प्रोफेशनल लाइफ, किस तरीके से स्ट्रेस को हैंडल करती हैं, वर्कलोड को हैंडल करती हैं, क्योंकि बहुत सी जिम्मेदारियां आपके ऊपर है, हम सभी ने देखा और जाना इस बारे में, तो किस तरीके से स्ट्रेस को हैंडल करती हैं और खुद के लिए समय कैसे निकालती हैं? मुझे लगता है कि शायद समय बहुत है, उसका सदुपयोग करने की जरूरत है। और स्ट्रेस किस बात का? बिकॉज मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ना स्ट्रेस देना चाहिए और ना लेना चाहिए। तो स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए। मोमेंट्री चीज़ें हो सकती हैं जो आपको स्ट्रेस, तो मैं नहीं कहूँगी, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं स्ट्रेस ना लूँ, ना देना भी प्रेफर नहीं करती हूँ। मुझे लगता है कि खुशगवार एटमॉस्फेयर में हमें काम करना चाहिए। मेरे साथ जो काम करने वाले लोग हैं वो हर सुबह मोटिवेटेड होने चाहिए कि चलो आज ऑफिस चलते हैं, कम से कम घर की परेशानियों से ऑफिस में सुकून मिलेगा। तो इस तरह का एटमॉस्फेयर मैं ऑफिस में देने की कोशिश करती हूँ। और मैं अपने खाली समय में, बहुत मेरी सारी हॉबीज़ हैं, तो इनफैक्ट मुझे शायद कभी कभी छुट्टियां और वीकेंड्स भी कम पड़ जाते हैं उनको करने के लिए। बट मैं ऐसा मानती हूँ, आप जितने बिजी रहते हो उतने आप प्रोडक्टिव रहते हो, उतने आप यंग रहते हो, उतने आप एक्टिव रहते हो, और उतना आप लाइफ को एंजॉय करते हो। बिकॉज लाइफ में एक चांस है, तो आई वुड लाइक टू लिव माय लाइफ टू द फुलेस्ट पोटेंशियल, एंड विद द क्लॉक टिकिंग एवरी डे वी आर लूजिंग आउट ऑन टाइम, तो मेक द बेस्ट यूज ऑफ योर टाइम दैट इज अवेलेबल। बहुत खूब, और वो बहुत जरूरी भी है। मुग्धा जी, महिला होने के नाते जीवन में, मैं ये कहूंगी हर एक के जीवन में, ना सिर्फ महिला के बल्कि पुरुषों के भी उतार चढ़ाव भी आते हैं, अच्छे दिन और बुरे दिन भी आते हैं। और कहते हैं ना कि जिस तरीके से सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरीके से जीवन में खुशियां भी होती हैं, गम भी होती हैं। लेकिन जरूरत होती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी खुद को मजबूत बनाए रखना, और आप उसका सशक्त उदाहरण है जब आपने हर परिस्थिति का डट के सामना किया और खुद को मजबूत किया। लेकिन बहुत सारी हमारी दर्शकों में बहुत सारी बहनें होंगी ऐसी, बहुत सारी बच्चियां होंगी जिनके जीवन में भी शायद कहीं ना कहीं निराशा है, या शायद कुछ अच्छा नहीं हो रहा। किस तरीके से उन्हें उससे उबरना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे? देखो, जीवन को समय के हिसाब से देखा जाए तो तीन टेंसों में जिया जाता है। ग्रामर हम पढ़ते हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब प्रेजेंट टेंस को प्रेजेंट क्यों कहते हैं? बिकॉज शायद इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ प्रेजेंट, लाइक अ गिफ्ट। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम जिंदगी में हर मोमेंट को जिए, प्रेजेंट में रहें, पास्ट से हम सीखें जरूर, है ना, और फ्यूचर की तरफ देखें, है ना। बिकॉज वो पास्ट में जो भी चीजें रही हूं, समय, जैसे वो अकबर बीरबल का बड़ा अच्छा चीज है ना कि कोई भी समय वैसा नहीं रहता, अच्छा भी नहीं रहता, बुरा भी नहीं रहता। तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि मैं तो बड़े बुरे वक्त में खुश रह लेती हूँ, सोच के कि अरे तो बुरा वक्त आगे तो अच्छा ही आएगा, है ना, क्योंकि समय का फेरा तो चक्रीय की तरह से घूमता है। इनफैक्ट जब अच्छा वक्त होता है तो मैं थोड़ा सा संभल के रहती हूँ कि पता नहीं कब तक लास्ट करेगा। तो मैं सभी को कहना चाहूंगी कि बुरे वक्त में हमारे पास होश रहता है, और अच्छे वक्त में हम जोश में बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं। तो हर चीज में एक पॉजिटिविटी छुपी है। और देखो, हमारी जीवन का अगर हम
किसी से कंपटीशन में नहीं है, कंपैरिजन में जीवन नहीं जीते हैं, और ये बात समझने की कोशिश करते हैं, शायद कहीं ना कहीं थोड़ा स्पिरिचुअली भी, कि हमको इस जीवन में किस चीज के लिए पैदा किया गया, हम क्यों आए हैं, हमारी लाइफ की जर्नी क्या है। तो हम अपने सुख दुखों को देख के समझ पाएंगे कि आई एम मेंट टू डू दिस, है ना। अब राजा राम क्यों 14 साल वनवास में रहे, अगर वो ये क्वेश्चन करते तो शायद आज हम सब लोग जो दशहरा मनाते हैं, जो इतनी बड़ी लेगेसी है, क्योंकि मुश्किल जब आती है तो सोचना चाहिए कि जरूर भगवान आपके माध्यम से कोई बहुत चीज करवाना चाह रहा है, या तो आपको कुछ निखारना चाह रहा है, आपकी अंदर दबी हुई शक्तियों से आपका परिचय कराना चाह रहा है। जैसे हनुमान का हुआ था, जब वो संजीवनी वाली बात आई थी, तो उनको लगा कि मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। तो जब मुश्किलें आती हैं तो फेस योर फियर्स, लुक एट देम एंड से आई एम बिगर देन यू, आई विल बी एबल टू टैकल इट, क्योंकि आपका कनेक्शन तो परमात्मा से है। बहुत डर किस बात का, फियरलेस जियो जीवन में, और सब कुछ तो यही रह जाएगा। तो मतलब व्हाट आर यू स्केयर्ड ऑफ, क्योंकि हमने, मैं चाह रहा था कि मुग्धा जी ने शो की शुरुआत जो है हमारी एक मोटिवेशनल कविता से करी थी, क्योंकि हमारे पास बहुत कम समय भरा नहीं। लेकिन आप इतनी मल्टी टैलेंटेड, मैं इसमें यही कहना चाहूंगी कि मैम की जो कविताएं हैं, जो अक्सर प्रकाशित भी होती हैं, कई इंग्लिश में भी मैम कविताएं लिखती हैं, लेकिन हमारे जो इस देश में जो सबसे मजबूत जो महिलाओं का जो एक कहेंगे कि वो है ग्रामीण महिलाएं, तो क्यों ना चलते चलते मैम से ग्रामीण महिलाओं पर एक कविता जरूर। और बिल्कुल शॉर्ट में, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम बचा। अच्छा, मिट्टी गोबर और गेरू से कच्ची ईंटों को आवरण ओढ़ाती हो, चावल की चोखर और मांडना से गरीबी की रेखा खींचती हो, माथे के पसीने से खेतों को सींचती हो, नमक प्याज और मिर्ची से भोजन का स्तर बढ़ाती हो, गेहूं से पेट की भूख, पुआल से झोंपड़ी का छप्पर सुधारती हो, बाजरे की परिधि तक पैर पसारती हो, और चारे से बेचारी गायों को पालती हो, एक समय में दोपहर का खाना पकाकर रात में टाबर के पढ़ने वास्ते ईंधन बचाती हो, घर में गृहिणी के कर्तव्य निभाती हो, खेतों की देखभाल से कामकाजी का आत्मविश्वास जगाती हो, कभी चुनाव जीतकर सरपंच बन जाती हो, कभी पति की कुर्सी को संभालती हो, एक हर इम्तिहान में बिन पुस्तक के खरी उतरती हो। हे नारी तुम उम्मीद की किरण हो, हे नारी तुम उम्मीद की किरण हो, तकदीर साथ क्यों ना छोड़ जाए, तुम गरीब का भी साथ निभाती हो। तकदीर क्यों ना साथ छोड़ जाए, तुम गरीब का भी साथ निभाती हो। बहुत खूब मैम, और एक हम यही कहेंगे कि आज हम एक खुश मिजाज जिंदा दिल शख्सियत से रूबरू हुए, जो कहीं ना कहीं हमें भी खास हम बिल्कुल। और नाहिद, इतनी अच्छी पोयम के बाद, इतनी अच्छी कविता के बाद, एक छोटा सा मैसेज बनता है उन तमाम महिलाओं के लिए, क्या कहना चाहेंगी महिलाओं को? मैं आप सभी को आज इस महिला दिवस की बधाई देते हुए बस एक ही बात कहूंगी कि आप जननी हो, आप धरा हो, आप भारत माता हो, अपने आप को पहचानो, आप में बहुत शक्ति है, आप शिव की शक्ति हो, आपके बिना तो शिव भी अधूरे हैं, आप पार्वती हो, काली हो, दुर्गा हो, कृपया अपनी खुद की जितनी स्ट्रेंथ है उसको पहचानो, और इस विश्व को सुंदर, सत्यम शिवम सुंदरम वाली तरह बनाने में आपके योगदान से कभी पीछे मत हटो, बिकॉज आप हैं तो इस संसार में वो सारे कोमल भाव बने हुए हैं जो आपकी वजह से हैं, सृजन की शक्ति आप हैं। तो मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई भी देती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी का, चाहे आप शहरी परिवेश से हों या ग्रामीण परिवेश से हों, आप सबका आज का दिन और आगे का जीवन सुखद हो और समृद्ध हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत खूब, और मैम आपको भी महिला दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं, और आप यहाँ आए और आपसे बहुत कुछ सीखने को हमें भी मिला और हमारे दर्शकों को भी मिला, और उसके लिए धन्यवाद। और जो सत्यम शिवम सुंदरम का आपने जिक्र किया है, वो तो खुद हमारे दूरदर्शन की टैगलाइन है, हमारी खुद पहचान वही है। और मैं हर महिला से यही कहना चाहूंगी कि अपने आप को पहचानिए, अपनी शक्ति को पहचानिए, आप ही में सरस्वती भी है, आप ही में लक्ष्मी
लक्ष्मी भी है और आप ही में दुर्गा भी है। तो अपने रूप को पहचानिए और ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए और यूं ही नाम करते रहिए। लेकिन फिलहाल वक्त हो चुका है कि हम आपको ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज़ रूम लेके चलें। तो हमें आज दीजिए इजाज़त, हम आपको फिर किसी खास शख्सियत से रूबरू कराएंगे। तब तक तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, अगली बार फिर मुलाकात होगा ऐसे किसी सफर में। आगे आप देखेंगे लोकगीत और देखते रहिए डीडी राजस्थान। फिर मुलाकात होगी दोस्तों।